हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। और आज तारीख है 8 दिसंबर और मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए। लेकिन पहले तो यार मेरा प्रोग्राम था, प्लान था जो 9 दिसंबर को निकलने का था, लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब खोली, लोगों की वीडियोस देखी कि वहाँ पर स्नोफॉल का क्या सीन है, तो मेरे को पता लगा कि 9 तारीख को तो वहाँ पर स्नोफॉल होनी है। अगर मैं 9 तारीख को सुबह बस में बैठता हूँ तो रात को पहुँचूंगा तो स्नोफॉल को इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जस्ट मैंने बैठे बैठे अपना प्लान बनाया था मनाली में निकलने का, लेकिन मैंने सोचा यार 8 तारीख को निकलते हैं, अभी निकलूंगा तो सुबह 9 तारीख को वहां पर पहुंच जाऊंगा और वहां पर अच्छी खासी जो स्नोफॉल होनी है, पता नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे बताया जा रहा था और मैं निकल गया था लेकिन वहां पर स्नोफॉल मिली नहीं थी, लेकिन वैसे स्नो काफी मिली थी। तो उम्मीद करते हैं इस बार स्नोफॉल हमें मिल जाएगी। तो अभी जस्ट करते हैं अपना सामान पैक और निकलते हैं सीधा बस स्टैंड की ओर और चलते हैं बस में मनाली, जो कि हमारी ओवरनाइट जर्नी रहने वाली है। उसका क्या किराया लगता है, क्या कहां कहां पर होल्ट हो गए खाने के लिए, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बस चलते हैं सीधा बस स्टैंड में, वहां जाकर मिलते हैं आप लोगों को। टेंटन है तो फाइनली यार हम लोग लुधियाना के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:45 का और जो मनाली के लिए बस जाएगी वो जाएगी 8:30 बजे, हिमाचल की बस होगी HRTC। तो अभी बस स्टैंड के अंदर चलते हैं, वहां से पकड़ते हैं अपनी मनाली की बस, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी हमारी। वो सामने रहा बस स्टैंड सारा और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर। और यार ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, लगभग 9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है मनाली में, तो माइनस चल रहा होगा अभी। काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार जाने के लिए। फाइनली यार मनाली वाली बस आ चुकी है। एक्चुअली इसको 8:30 बजे यहाँ पर पहुँचना था, अभी हो रहा है 8:41, मतलब 11 मिनट लेट है। इतना चलता है यार क्योंकि लुधियाना में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। HRTC की बस है, अभी चलते हैं इसका क्या सीन रहता है, टिकट वगैरह कितनी रहती है सब आप लोगों को बताऊंगा। तो फाइनली यार लुधियाना से हमने 130 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अपनी बस कीरतपुर से आगे आ चुकी है, लाइक हरिपुर जगह का नाम है, वहाँ ढाबे पर अभी फर्स्ट होल्ट लिया है हमारी बस ने। और यहाँ पर अभी चाय वगैरह पियेंगे और यहाँ से हिमाचल का बॉर्डर में भी 10 किलोमीटर के करीब होगा, तो हिमाचल में एंटर करने वाले भाई साहब पहाड़ आने वाले हैं यार, क्या एक्साइटमेंट हो रही है यार। बस के अंदर मैंने व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया ना, मेरे साथ में एक लड़की बैठी है तो वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, तो इस वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया बस के अंदर। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हिमाचल के अंदर तो मैं कोशिश करूँगा कि बस के अंदर से व्लॉग शूट करें, क्योंकि बस तो पूरी पैक है और बस में सवारियां कम है लेकिन रखने वाला सामान ज़्यादा है। ऐसा है ना, लुधियाना हमारा कपड़े का हब है, तो हिमाचल में जो भी कपड़ा जाता है लगभग लुधियाना से जाता है, तो सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है उसका भी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या सिस्टम है। कुल्लू और मंडी में उतरेगा ये सामान और हमारी बस है जो ये कुल्लू तक जाएगी और कुल्लू से आगे हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। कुल्लू तक की टिकट हमें 606 रुपये लगी है, अब यहाँ पर उतरे जाएगी और उसके बाद। तो भाई साहब आ चुकी अपनी चाय, तो इतनी ठंड में एक गरम गरम चाय की प्याली मिल जाए तो क्या ही मज़ा है यार। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि मैंने कपड़े पहन रखे हैं फिर भी कम कम ही लग रही है। अभी पीते हैं चाय, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो लो जी अपनी बस मंडी में पहुंच चुकी है और कैब भी निकल आई है, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अभी का जो वेदर है वो है 6 डिग्री सेल्सियस। तो मनाली में तो बता रहा है कि स्नोफॉल हो रही है, बाकी देखो वहाँ पे जाके क्या माहौल होता है। यहाँ पर अभी मैं चाय पी कर हटा हूँ। मंडी से मनाली की दूरी मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर के करीब होगी, तो देखते हैं
कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। अभी हो चुके हैं सुबह के 5, बस यार इतना ही। अभी बस में जाके ब्लॉगिंग करते थोड़ी बहुत ही, क्योंकि अभी तक मैं एक्चुअली करतारपुर के बाद जहाँ पर मैंने चाय का ब्रेक लिया था उसके बाद मैं सोता पहुँच गया, पता ही नहीं लगा मंडी कब पहुँच गया, तो बस ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाया। और साथ में लड़की थी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो अभी कोशिश क्या करेंगे, अभी तो बस खाली हो चुकी है, आप तो इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं बस में। तो चलो चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और यार ये मम्मी ने ना साथ में, ये अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे सवारियाँ जो और हैं वो सो रहे हैं, मम्मी ने ना ये पिन्नी मेरे साथ भेजी थी, तो अभी इसको खाते हैं। एक नंबर। सामने रास्ता जलोरी पास की तरफ, इधर कुल्लू की तरफ, मनाली की तरफ। कुल्लू से मनाली के लिए बस पकड़ ली है, जो इसका रेंट लगा हमें 107 रुपये लगा, 606 प्लस 107 713 चौदह रुपये में हम मनाली में पहुँच गए। कैमरा काफ़ी बुरा है, जो मैं बस के पिछले सीट पर बैठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, कैमरा एडजस्ट कर लेना आप। मनाली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आँखों से पानी निकलने लग गया ठंडी ठंडी हवा लगकर। हम लोग चले थे रात 9:15 पर, हमारी बस निकली थी लुधियाना से, और अभी हो रहे हैं 7:15, मतलब लगा के चलो कि 10 घंटे हमें लग गए हमारे सफ़र में। सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा, सोते सोते कब पहुँच गया पता भी नहीं लगा, ज़्यादा वीडियो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा है रो रहा हूँ लेकिन रो नहीं रहा, ठंड की वजह से आँखों से पानी निकल रहा है। अभी सबसे पहले ऐसे करते हैं यार, यहाँ से चाय ढूंढ लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद आगे क्या सोचते हैं कि क्या करना है। वैसे तो सोचा हुआ है ओल्ड मनाली जाएंगे, वहाँ पर जाकर हॉस्टल वगैरह लेना है मेरे को। अभी तो मैं फ़िलहाल हूँ माल रोड पर, चलते हैं चाय ढूंढते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद आगे क्या देखते हैं। तो लो जी आ चुकी अपनी गर्मा गर्म चाय पी के चलते हैं आगे हॉस्टल वगैरह ढूंढने अपना। तो यार मनाली में पहुंच के मैंने अपना हॉस्टल ले लिया है, यहाँ पर MH कैफ है ओल्ड मनाली में, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करोगे तो उसके कॉर्नर पर ही है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी मैं यहीं पर रहा था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है यार, स्नोफॉल वाला मौसम हो चुका है। बाहर आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं बंद, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो लेते हैं आज की वीडियो से अलविदा, जय बोले।